2017 ग्लोबल एक्सीलेंसी अवार्ड क्या है ये पूरा मैटर हम बातचीत करेंगे इसमें और भी कुछ हम आपको दिखाते हैं सेफ आवर रिवर्स रिवर्स को सेफ करना चाहते हैं और उसमें कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे इनके हाथ में कुछ अवार्ड भी है पूरा मामला क्या है किस लिए इनको अवार्ड मिला है हम बातचीत करना चाहेंगे मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे मिसेज एस एल गुप्ता मैम ये क्या है पूरा मैटर हम बताइए तो ये ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है ऐसा अवार्ड और ये बहुत सारे फील्ड्स में दिया जा रहा है एजुकेशन में बिजनेस में टेक्नोलॉजी में और मुझे ये एजुकेशन में मिला है क्योंकि मैं लास्ट 40 ईयर्स से एजुकेशन में व्यस्त हूँ डॉक्टर सरिता बहल प्रिंसिपल देवकी देवी जैन कॉलेज लुधियाना आपको किस बात के लिए ये अवार्ड मिला है हाँ डॉक्टर IPJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड मिला है मुझे एंड आई थिंक IPJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड ये आई एम थैंकफुल टू ग्लोबल लीडर फाउंडेशन फॉर रिपोजिंग फेथ इन मी एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड नॉट एज ऑनर बट ऑल्सो एज चैलेंज एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस थैंक यू अवार्ड से काफ़ी आप खुश भी होंगे आपको एक हौसला भी मिला होगा मैम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों से क्या बोलना चाहते हैं हाँ ये एक प्रेरणा है इससे बाकी लोगों को और कम्युनिटी सर्विस करने के लिए एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने का एंड आई थैंक द फाउंडेशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सर्विसेज ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूटर्स मैं मिसेज मिली घोष हूँ बरेली से हूँ अब किस बात के आपको अवार्ड मिला मुझे एक्सीलेंस इन स्कूल इनिशिएटिव्स एंड फॉर ऑल द डेडिकेटेड सर्विसेज जो मैंने 35 साल इस फील्ड को दिए हैं उसके लिए मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट जूरी ने मुझे इस लायक समझा मेरी हार्डवर्क मेरी मेहनत को सराहा मेहनत रंग लाया जी जी बिल्कुल बिल्कुल मेरा नाम पूनम डोगरा एंड आई एम फ्रॉम जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फ्रॉम पंजाब एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट रिसीव अवार्ड फॉर द इंस्पायरिंग दिस इंस्पिरेशनल अवार्ड फॉर दिस एक्सीलेंस इन द IT एंड I congratulate to the and thankful to the 17 Global Foundation that I'm getting this award and thank you so much. Zishan Khan. काफी खुश हैं आप? आपको किस बात के अवार्ड मिला है? सर? देख सकती हैं आप यहाँ पे Leaders of Tomorrow. Leaders of Tomorrow के लिए आपको मिला हुआ है ये अवार्ड. ये कब से आप यहाँ पर इसी इसमें हैं? मैं construction field में 4 साल से हूँ. दुबई में भी काम कर चुका हूँ ठीक है अभी मैंने बिहार के पटना में स्टार्ट किया है काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट से जुड़ा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा और क्वालिटी दे रहा हूँ ठीक है अच्छा, कस्टमर हाँ कस्टमर के साथ चीट नहीं कर रहा हूँ अच्छा, उन्हें ईमानदारी की वजह से आपको आज अवार्ड मिला है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा ठीक है हमारी भी शुभकामनाएं हैं आप अच्छा काम करते रहे हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपका नाम सर जी मेरा नाम इंजीनियर एस एम नियाज हुआ मुझे ये अवार्ड JLF के द्वारा मिला है बेस्ट IT इनोवेशन अवार्ड मिला है इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे इनोवेशन किया है डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग और भी कई सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू एंड थैंक्स टू लैक फॉर JLF एंड थैंक यू मैडम रामजी सिंह सर आपको किस बात के लिए अवार्ड मिला अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मैडम दिखाइए थोड़ा अच्छे से बताइए सर आप कब से कितने टाइम से आप यहाँ पर 90 में किया इंजीनियरिंग की डिग्री की उसके बाद से मैं टिल कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ प्रैक्टिसिंग इंजीनियर भी हूँ एज ए बिल्डर भी हूँ और हम लोग एक आम जनता के लिए तो घर सब भी बनाते ही हैं लेकिन हम लोग अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं सो दैट कि MIG ग्रुप के लोग को भी घर मिल सके जिससे पूरा प्रोसेस होता है ना आप लोगों का मैडम कि पहले हम लोग उस नक्शे को कंपिटेंट अथॉरिटी से लेते हैं अप्रूवल और जो अप्रूवल मिला उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग होता है फिर कंस्ट्रक्शन होता है और अभी एक नया हुआ फॉर्मेशन रेरा का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि कंस्ट्रक्शन में जो हमारे फ्लैट परचेज करते हैं और जो बिल्डर और फ्लैट ऑनर के बीच का एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो कि हम टाइम में फ्लैट बना के दे सकें ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट अवार्ड ऑफ माई लाइफ दिस इज माई 25 ईयर्स ऑफ जर्नी इन एजुकेशन सेक्टर एंड डूइंग माई ऑल एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस टुडे आई फील अ लिटिल बिट सेटिस्फैक्शन यस what I did in the field of education and because of that I am getting today the appreciation आप बहुत हैप्पी है क्योंकि 25 साल की आपका अर्निंग किया था ये फर्स्ट अवार्ड है आपका या दिस इज द फर्स्ट आप कहाँ से हैं सर बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार बट वर्किंग इन द वेस्ट बंगाल मेरा नाम कुलदीप रावत है कुलदीप जी आपका वर्क कहाँ करते हैं आप दिल्ली में करते हैं हम बेसिकली हमारा जो वर्क है साउथ दिल्ली के अंदर जैसे कि आपके हम अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं 1-2-3 BHK विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 20 लाख टू टिल 1 crore
तो इसमें हम करते हैं, हम जैसे कि जो हमारी जो हम कैटेगरीज है, लोअर इनकम ग्रेड, मीडियम इनकम ग्रेड और आपके हायर इनकम ग्रेड, सबको हम कैटर करते हैं। GLF जो आपका ग्लोबल लीडर फाउंडेशन है, एक वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को रिकग्नाइज करती है जो भी अपने अपने अलग फील्ड्स में है, कोई जैसे कि रियल इस्टेट में, कोई एजुकेशन सेक्टर में, कोई यानी किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में है, उनको ये रिकग्नाइज करके कौन किस फील्ड में कितना बेस्ट काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉर्ड एंड रिकग्नाइजेशन करते हैं। ठीक है सर, आपको भी आज अवार्ड मिला है, आप कहाँ से हैं सर? मेरा रियल स्टेट सेक्टर से है, मुझे जो यानी कि रियल स्टेट प्रोमोटर्स का अवार्ड मिला है। आई एम प्रोफेसर प्रशांत कुमार पात्र, भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष हूँ, प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल है सर, आपका आज जो अवार्ड मिला है, आपको ग्लोबल की तरफ से आपको ये अवार्ड दिया गया है, 15 ग्लोबल जो एक्सीलेंसी अवार्ड है सर, आपको आज कैसा महसूस करें आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिस इज नॉट ओनली, ये तो शिक्षा का ऊपर है सब, और ये एनकरेजमेंट बहुत देगा क्योंकि सब भारत का विभिन्न अनेक अनेक मीन्स एंटायर स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो दे आर रिसीविंग द अवार्ड, वो बहुत अच्छा है क्योंकि सब एक बड़ी एनकरेजमेंट है, बट दिस इज गुड वर्क दैट GLF इज डूइंग, और उस और ये हर साल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड देना चाहिए क्योंकि ये सबका डेडिकेशन, दे आर राइटली टू चूज एंड दे हैव चूजन द करेक्ट थिंग, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट एंड ऑल द अवार्डीज। आई ऑल्सो से दैट इट इज़ अ गुड वर्क एंड नोवेल वर्क। हम बातचीत करेंगे रमेश जी से। सर, इसका पूरा का फाउंडर आप है ग्लोबल का, सर आप बताइए डिटेल्स में हम जानना चाहेंगे आपको, आपका माइंड में कैसे आया ये, आपको शुरुआत करना चाहिए, पूरा स्टार्टिंग से आप हमें बताइए सर। सी, ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ आपको। ये फाउंडर फाउंड किया था एमिनेंट एजुकेशनिस्ट के फोरम ने और कुछ सोशलिस्ट पीपल थे, तो हम सब लोग मिल के इसको स्टार्ट किया कि समाज की जितनी भी हमारी धाराएं हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे उद्योग है, चाहे हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे रिलीजन है, इस सबके एक्सपर्ट लोग उसको हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं, तो हमने उन लोगों की हेल्प से नए लीडर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए इस फोरम को बनाया, मींस जो लीडर्स के थ्रू इमर्जिंग लीडर्स को प्रमोट करने के लिए ये फोरम हमने बनाया। अभी सेव आवर रिवर जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पिछले कुछ महीनों से उथल पुथल मचा रहा था। मैंने देखा कि लोगों ने रिवर्स के बारे में इंडिया में खूब रैलीज किए हैं, लोगों ने रोड पर जाकर के खूब हड़दंग मचाए हैं, लोगों ने बड़े बहुत प्रोटेस्ट करे, भूख हड़ताल भी करे। हड़ताल करने से रिवर साफ नहीं होगा। फॉर क्लीनलीनेस एंड द नीटनेस ऑफ रिवर, आपको रिवर के बेड में जाना पड़ेगा, आपको नदी के किनारे जरूर जाना पड़ेगा सफाई करने के लिए। और हमारा जो ऐप है, आप इसको देखेंगे, इसमें लिखा है कि डिजिटल बेस्ड रिवर क्लीनिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी इसमें एक्टिविटी है। अभी तक जितने भी रिवर के आंदोलन है ना, इसमें एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आंदोलन करने का अलग चीज़ है, नदी साफ करो हर कोई कहना चाहता है और हर कोई कहता है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे घर में कुछ पूजा या कुछ अब मेरे घर का कार्यक्रम होता है, चाहे मेरा दुर्गा पूजा होगा, चाहे मेरा गणेश पंडाल होगा, हम सब लोग अपना जो वाटर बॉडीज़ है नियर बाई का, जो हमारे तालाब हैं या हमारी नदियाँ हैं नज़दीक के घर अपने आसपास की, उन पर जा करके वो मूर्ति विसर्जन जरूर करते हैं। मैं एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन हमको आज नदियों की प्रतिबद्धता को भी समझना होगा, क्योंकि आज हमारा 130 करोड़ का जो हमारा पॉपुलेशन है, और रिवर की स्ट्रेंथ दिन पर दिन कम होते जा रही है। नदियां पहले जितनी वेगवती थी, जितनी नदियों में ताकत थी, अब दिन पर दिन कम होती जा रही है नदियों की ताकत, और हमारा जनसंख्या का जो प्रेशर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो नदियाँ उसका मूलभूत उद्देश्य जो है, हमको जल पिलाना है, हमको सिंचाई कराना है, और हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी प्लांट वाटर बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक्टिविटी शुरू हो गया सर? नहीं, अभी आज हमारे ऐप का लॉन्चिंग हुआ है ये। हाँ, आज ऐप का लॉन्च हुआ है, ये मोबाइल ऐप आप भी अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और एज ए वॉलेंटियर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट्स को बिलोंग करते हैं, तो एज एन इंस्टीट्यूशन यू कैन ज्वाइन आवर ऐप, एंड विद इन 15 or 20 days हम एक डेट डिक्लेयर करेंगे, और हमारे पास थ्रू आउट इंडिया से उसमें डाटाज आएंगे, सपोज़ पटना से कितने लोग ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है, कोलकाता से कितनों ने किया है, कानपुर से कितनों ने किया, कन्नौज से कितनों ने किया, हरिद्वार से कितनों ने किया है। तो गंगा नदी पर एक ही दिन में
अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग लोग काम करेंगे, सब लोग अपने 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 घरों में काम करेंगे, यानी कानपुर वाले को दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है और दिल्ली अपने एरिया में काम करेंगे, क्योंकि एक ये ऐसा क्योंकि इसमें डिजिटल को हमने हमारा जो लोगों का स्वच्छ भारत को और डिजिटल इंडिया को हमने दोनों मैच कर दिया है, हम डिजिटली भारत को स्वच्छ करना चाहते हैं। ठीक है, आपको यानी मेन मोटो आपका यही है क्लीन करना, क्लीन करना नदियों को, क्योंकि नदियों की जो गंदगी है वो केवल पॉलीथीन साफ करने से। कब तक आप क्लीन करते रहेंगे, क्योंकि हम देखते क्लीन होता है फिर आसपास के जो लोग हैं फिर से गंदगी। नहीं देखो, क्योंकि जैसे गंदा करने का ना लोगों ने कल्चर डेवलप किया है, ये एक दिन में, एक महीने में, एक साल में या दस साल में नहीं डेवलप हुआ है, इसके लिए सदियां लगी हैं। क्योंकि जब बीमारी आते आते आई है ना, तो ये जाते जाते ही जाएगी। एक रात में मैं आपको ये गारंटी नहीं कह सकता कि एक दिन में या एक महीने में, एक साल में भारत की पूरी नदियाँ स्वच्छ हो जाएंगी, क्योंकि 1600 करोड़ हम हर साल जमुना जी को देते हैं और पता नहीं कितना हजार करोड़ गंगा जी पर खर्च हो चुका है। अभी हमने अभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है इस नदी को साफ़ करने के लिए, और हमारा ये मानना है कि अगर आपके अंदर नदी को साफ़ करने का जुनून हो तो पहले पैसे की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको अपनी कमर कस के नदी के किनारे पर आना पड़ेगा नदी साफ़ करने के लिए। तो सर आपका जो ये अभियान है इसमें कि जो लोग वहाँ पर आएंगे उसके लिए क्या है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग काम करेंगे, क्या है इसका प्रोसेस? उसका प्रोसेस ये है कि इसमें जो इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करेंगे वो इंस्टीट्यूट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बेस पर सर्टिफिकेशन मिलेगा। मीन्स जो लोग भी इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो दे विल गेट सर्टिफिकेट ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी आदमी बिना उसके आना नहीं चाहेगा। मैं तो कबीर की फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि जो घर फूको आपड़ो चलो हमारे संग, तो मैं तो अपना घर फूक के चल सकता हूँ, लेकिन हर कोई नहीं चलने को तैयार नहीं होगा, लेकिन तो उनका बेनिफिट यही होगा, उनका बेनिफिट यही, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर, आपको हमारी शुभकामना आपके साथ है। इनका जो प्रोजेक्ट है उनमें है सेफ आवर रिवर्स, इनका जो कोशिश है कोशिश रंग जरूर लाएंगे, ये विश्वास है इनका, और इनका कहना भी यही है कि हमारी जो हिंदुस्तान में जितना भी रिवर्स है शायद वो साफ हो जाएंगे, इनकी जो कोशिश है वो रंग लाए, ये हमारी शुभकामना भी है और हमारी कहना भी यही है कि इनका जो कोशिश है आगे लेके जाइए। तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया 5 न्यूज़, नमस्कार।